पार्ट वन वीडियो के बाद आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाली अगले SUVs के बारे में। पांचवें नंबर पे है सिट्रॉइन की C3 इलेक्ट्रिक। वैसे तो C3 अपने ICE इंजन में इंडिया में पहले से अवेलेबल है और सेल में भी है। जल्द ही इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2022 तक हो, जिसमें लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जा सकती है। फिर रियल लाइफ में इसकी रेंज भगवान ही जाने। इसका कंपटीशन मेनली टाटा टियागो EV से होगा। अगली SUV है अपडेटेड ह्यूंडई कोना EV। ह्यूंडई कोना इलेक्ट्रिक की अपडेटेड वर्जन एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड या फिर 2023 में सेल में आ जाए। अपडेटेड कोना EV में थोड़ा रिवाइज इंटीरियर और एक्सटीरियर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी वाली 39.2 किलोवाट पर आवर लिथियम आयन बैटरी और 136 हॉर्स पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर कॉम्बो को भी कैरी ओवर किया जाएगा। साथ ही साथ लार्जेस्ट 64 किलोवाट पर आवर की बैटरी पैक और 204 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक मोटर को भी दिया जाएगा, जो कि अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज को क्लेम कर पाएगी। अगली SUV है महिंद्रा XUV400। आने वाली महिंद्रा XUV400 टाटा निक्सॉन EV Max, MG ZS EV और आने वाली ह्यूंडई कोना इलेक्ट्रिक से राइवल करेगी। कंपनी क्लेम के मुताबिक इसमें हमें 456 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, वह भी सिंगल चार्ज में। अंडर 20 लैक्स प्राइस सेगमेंट, यह इंडिया के फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग गाड़ी है, जो कि 8.3 सेकंड में 0-100 किलोमीटर को अचीव कर लेती है। इसमें हमें 50 किलोवाट की DC फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि 0-80% की चार्जिंग अराउंड 50 मिनट में कर लेता है। ये रेगुलर XUV300 से बड़ी है, साथ ही साथ इसमें बड़ा बूटी स्पेस कैपेसिटी मिल जाता है। महिंद्रा ने इसकी डिलीवरी के लिए जनवरी 2023 का डेट दिया है। अगली और आखिरी SUV है BYD की ATO 3। जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम। इनकी एक EV आने वाली है जिसका नाम है ATO 3, जो अक्टूबर 11 से सेल में आ जाएगी। BYD ATO 3 की मेन कंपटीटर XUV400 ZS EV, कोना इलेक्ट्रिक और निक्सॉन EV मैक्स होने वाला है। इसमें हमें अराउंड 420 किलोमीटर की रेंज मिलने वाला है और इसमें हमें 150 किलोवाट के इलेक्ट्रिक मोटर मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।